प्रेग्नेंट महिला का मन जब किसी खास चीज को खाने का करता है तो उसे अंग्रेजी में क्रेविंग कहते हैं। इस समय उन्हें सबसे ज्यादा खट्टा या चटपटा खाने का मन करता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला का मन अचार जैसी किसी खट्टी चीज को खाने का करता है तो उसे कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसका सीधा असर उनके खान पान से लेकर मूड पर पड़ता है। अक्सर महिला को इस समय अचार जैसा कुछ खट्टा खाना सबसे ज्यादा पसंद होता है, पर क्या आप जानते हैं कि गर्भवती महिला को इस समय अचार खाना भी चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं अचार के सेवन करने से माँ और पैदा होने वाले शिशु को किस तरह का नुकसान पहुँचता है। गर्भवती महिला को अचार का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो इसका सेवन ज्यादा मात्रा में ना करे। कच्चे आम, आंवला, गाजर के बने अचार में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो प्रेग्नेंट महिला की इम्यूनिटी को मजबूत करने में उसकी मदद करते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने महिलाओं को गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्म तासीर की चीजें बच्चे और उनकी सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने महिलाओं को कच्चे अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। कच्चे अंडे के सेवन से महिलाओं को जानलेवा बैक्टीरिया का सामना करना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में भ्रूण अस्थिर होता है और गर्भपात का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा देर तक एक ही स्थिति में बैठने, लगातार खड़े रहने और लंबी यात्रा से बचे। झटकों या सफर की थकान हानिकारक साबित हो सकती है। धूल मिट्टी, कूड़े कचरे की सफाई, पोछा लगाना, भारी सामान उठाने से परहेज करना चाहिए। इससे न सिर्फ इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, बल्कि अधिक वजन उठाने से अबॉर्शन की भी समस्या हो सकती है।